देश सहित ગુજરાતમાં હવે કોરોનાના કેસમાં ખૂબ જ ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે। હાલ અમદાવાદમાં કોવિડ હોસ્પિટલમાં 45 દર્દીઓ કોરોનાના અને મ્યુકોરમાયકોસિસના 201 દર્દીઓ દાખલ છે। આ અંગે માહિતી આપતા સિવિલ સુપરિટેન્ડન્ટ ડોક્ટર જેપી મોદીએ જણાવ્યું હતું કે નવા કેસમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે। કોરોનાની બીજી લહેર સમાપ્ત થવા આવી છે, જો કે કોવિડ 19ની ગાઈડલાઈનનું આકરું પાલન કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે, કારણ કે સાવધાન નહીં રહીએ તો સંભવિત ત્રીજી લહેર આવી શકે તેમ છે। म्यूकरमाइकोसिस की बात करें तो म्यूकरमाइकोसिस भी कोविड का संक्रमण जो पीक था उसके बाद 15-20 दिन के बाद हमारे यहाँ 400-500 पेशेंट एक समय दाखिल थे और आज तक हमने यहाँ से 1268 पेशेंट म्यूकरमाइकोसिस के क्योर किए हैं। आज के दिन की बात करें तो हमारे यहाँ अभी 201 पेशेंट दाखिल है। अभी जो सर्जरी भी है हर रोज की 4-5 होती है। जो पहले हम राउंड द क्लॉक ऑपरेशन थिएटर चलाते थे और हर रोज की हमारे यहाँ 30 से 35 सर्जरी होती थी, तो म्यूकरमाइकोसिस के केसेस भी अभी बहुत कम हो रहे हैं। कोविड में तो बहुत घटाड़ो है, जो म्यूकरमाइकोसिस नो कोविड ना सेकेंड वेव पछी थी जो पीक थयेलू ए भी संभव प्लेटू सुधी पहुंची गयो है। हवे एना डेली जो केसेस नवा केसेस आवे छे एमा खासो रिडक्शन है। आ डिजीज ना एटलू लांबू ट्रीटमेंट प्रोसिजर है और एनी साथे साथे एने रिपीट पेशेंट ने जोवानी जरूरियात एटले के फॉलोअप रिक्वायरमेंट ना लीधे थईने जे अत्यारे ओपीडी है ए फॉलोअप पेशेंट्स नी वधारे रहीने फ्रेश केसेस ने रिडक्शन जोवा मळ्युं छे आपणे।